तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये जो प्रिंटेबल वॉल आर्ट है, आपने इसी पे रिसर्च किया होगा तो आपको पता लगा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर जो है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में जो है इसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप कैसे कैनवा में अलग अलग साइजेस के वॉल आर्ट बना सकते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए साइज गाइड यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने अपने स्टोर बनाए थे आपको डेमो दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2x3 का जो रेशियो है उसके अंदर इतनी सारी साइजेस आपको मिल रही है, 24x36, 20x30, 4x16x24 और ये सेंटीमीटर इंचेस, इतनी सारे साइजेस आपको कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार कैसे बनाएंगे। तो आसान है, देखिए ये तो रेशियो हो गया कि 2x3 के रेशियो में सारी साइजेस हैं, ओके ये 3x4 के रेशियो में है, ये 4x5 के रेशियो में, और ये नॉर्मल 11x14 है, और ये 5x7 है, ओके ये पेपर साइज है, प्रिंट पेपर साइज। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ओके अब देखिए ये जो साइज है अब इसके बारे में देखते हैं कि आपको इतनी सारी साइज पूरी बनाने की जरूरत है ना, आपको ये सिर्फ 24x36 की साइज एक सेलेक्ट करनी है, सबसे बड़ी साइज जो आप बनाना चाहते हैं। तो उसके नीचे जो भी 2x3 की जो रेशियो की साइजेस बैठेंगे वो तो सारी की सारी साइजेस में वो आदमी प्रिंट कर सकता है ना। देखिए आसान में कि अगर जितनी बड़ी साइज आप ले लेंगे लास्ट की, मान लीजिए मैंने 24x36 लिया है लास्ट साइज, तो इससे बड़ी तो प्रिंट करेंगे तो खराब हो जाएगा, लेकिन इससे छोटी कोई भी प्रिंट होगा तो वो अच्छा रहेगा, वो मतलब खराब नहीं होगा इमेज। तो ये इसका है, इसलिए सबसे बड़ी साइज ज़्यादा, बहुत बड़ी भी मत ले लीजिए कि बैनर आपको बनाना है, होर्डिंग लगाना है, वो नहीं। मान लीजिए पोस्टर की सबसे अच्छी साइज है 24x36, ओके तो ये सबसे बड़ी ले लीजिए, उसके नीचे जितनी भी बैठेंगे 2x3 के रेशियो में वो सारी प्रिंट हो सकती है। तो 4x3 और ये 5 तरह के रेशियो में मिलता है मार्केट में, ये मैंने 5 का एग्जांपल लिया है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैं बताता हूँ कि कैनवा में कैसे होता है ये सारी, और ये देखिए इंचेस में है 11x2, तो फिक्स ये रैंडम है, ये मतलब हर जगह प्रिंट हो सकता है, ये साइजेस में कस्टमाइजेशन है कि इतने सारे में आप प्रिंट करवा सकते हैं, और ये मतलब किसी भी प्रिंट लोकल प्रिंटर के पास जाएंगे ये साइज उनके पास अवेलेबल होता है फ्रेम इस साइज में, ओके। तो चलते हैं अब कैनवा में। तो देखिए कैनवा में आपको क्या करना है कि ये देखिए कस्टम साइज यहाँ लिखा हुआ है ना, ये वाला कस्टम साइज, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 24x36, वेट आपको रखनी है 24, ऐसे लिख लेना है, और सॉरी पहले इसको ये कर लेना है, पिक्सल को जो है चेंज करके आपको इंच में ले लेना आईएन में, और फिर इसमें 24 लिखना है, और फिर यहाँ पे हाइट आपको देनी है 36, ओके हाँ 36, 2x3 का रेशियो यहाँ पे मैं लिख 24x36 या सो लेना है। उसके बाद क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है, और आपको ये रेशियो में एक खुल जाएगा, वन सेकेंड, ये देखिए आपका चालू हो गया, ये इस तरीके से आपकी साइज आ गई। अब ये जो है कोई अगर प्रिंट करेगा ना तो ये 24x36 इंच के फ्रेम में फ्रेम करके प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने पहले से ये वाली जो डिज़ाइन आपको दिख रही है, ये वाली डिज़ाइन ये मैंने बनाई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 2x3 के रेशियो में मैंने बनाया। अब सपोज करिए कि आपके पास डिज़ाइन है, ओके आपने एक रेशियो में तो बना लिया, तो क्या इतना सारा डिज़ाइन आपको एक एक करके इतने सारे कस्टमाइजेशन बार बार करनी पड़ेंगी हर डिज़ाइन में? जैसे मैंने देखिए 3x4 में बनाया है, फिर 4x5 में बनाया है, फिर 11x14 में बनाया है, 5x7 में, तो एक ही डिज़ाइन को इतनी बार इतने कलर चेंज करना, फिर इसमें कलर डालना, फिर फिट करना एक जगह पे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मतलब इतना बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर क्या करें? तो इसके लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए ये 2x3 का रेशियो है, इसको इस तरीके से ऑल सेलेक्ट करना है ना, फिर कंट्रोल सी दबाना है, कंट्रोल सी कीबोर्ड पे, और सारा सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल सी दबाने के बाद। उसके बाद आपने जो नया वाला डिज़ाइन बनाया, सपोज करिए ये आपने बनाया, ये तो सेम साइज़ है, लेकिन मान लीजिए आपने 3x4 में ही बनाया होता, तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करना है इसको, और कंट्रोल वी दबाना है, कंट्रोल वी, ओके ये देखिए आपकी डिज़ाइन आ गई, ओके।
अब अंतर क्या है यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा फिट उट करना पड़ेगा, कहाँ पे सेम जगह पे रखना है ये वो कितना स्पेस देना, तो आपको थोड़ा मोड़ा कस्टमाइज, ये एकदम सेम रेशियो इसे एकदम सेम जगह पे आके फिट। अब बैकग्राउंड कलर बस आपको लेने का है। अब यहाँ जाने का है आपको अपने पहले वाले डिजाइन में जहाँ पे, और यहाँ क्लिक करना है और ये जो है कलर ऑप्शन इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करके यहाँ पे जो कलर कोड है ये वाले पे दबा करके इस पर दबाइए, और ये देखिए आपका कलर कोड आ गया, और इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। ओके, जब कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आकर के इसका बैकग्राउंड कलर इसने सेलेक्ट करके और कंट्रोल वी कर दीजिए। ओके, अब सेम टू सेम आपकी डिज़ाइन देखिए 2 मिनट के अंदर तैयार हुई। आपको ये वाला फॉन्ट लेना, फिर ये वाला अलग अलग कलर चेंज करना, बैकग्राउंड लाना, ये इमेज लाना, कैसे करेंगे, इतनी सारी दिक्कत, इतनी सारी डिज़ाइन बनाने में पूरा दिन ही लग जाएगा। तो कैनवा में सबसे आसान तरीका, यहाँ से आपने आया, ऑल सेलेक्ट किया, ऑल सेलेक्ट होने के बाद कंट्रोल सी दबाइए, यहाँ पे अपनी नई वाली स्क्रीन डिजाइन में आइए, कोई भी रेशियो में होगा वहाँ पे फिट हो जाएगा, थोड़ा अप डाउन होगा क्योंकि रेशियो बदल रहा है, तो थोड़ा मोड़ा कस्टमाइज, थोड़ा ऊपर नीचे छोटा बड़ा करके आप फिट कर लीजिए। ओके, और इस कंट्रोल वी दबाइए, पेस्ट हो जाएगा, छोटा बड़ा करिए, सेट हो जाएगा, आपकी डिजाइन तैयार। और कलर जो है कॉपी करने के लिए कलर कोड कॉपी कर लीजिए। तो इस तरीके से आप ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आप चाहे जितनी साइजेस बना सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास प्रो अकाउंट है ना, तो देखिए प्रो अकाउंट में फीचर ये है कि मैंने फ्री अकाउंट वालों के लिए भी बता दिया, प्रो अकाउंट वालों के लिए बताता हूँ। यहाँ देखिए रीसाइज का ऑप्शन है ना, ये देखिए रीसाइज। अब प्रो अकाउंट वालों को क्या फ़ायदा रहता है, सेम डिज़ाइन है, मान लीजिए उनको रीसाइज करना है इतनी सारी साइज है ना, तो वो क्या करेंगे, ऐसे रीसाइज पर क्लिक करेंगे और इसी में जो है बस बदल लेंगे। तो इनको क्या करेंगे, 24x36 है तो इसको 32 कर दिए, 3x4 में बन गया। यहाँ पे पिक्सल में फिर एक और ले लेंगे, तो मान लीजिए इनको 11x14 वाला बनाना है तो इसमें 11x14 कर लेंगे, और इनका ये भी तैयार। इस तरीके से ये जो है पूरा बना सकते हैं, लेकिन इनके लिए इसके लिए कैनवा प्रो अकाउंट चाहिए है ना, जो कि फ्री वालों के पास नहीं है। तो फ्री वालों का भी काम हो गया, प्रो वालों का भी काम हो गया। अगर प्रो है आपके पास तो यहाँ से करिए, फ्री है आपके पास तो इस तरीके से आप अलग अलग हाथों से मैनुअली थोड़ा करना पड़ेगा, और इसमें क्या ऑटोमेटिकली ये सब रीसाइज वगैरह कस्टमाइज थोड़ा बड़ा बड़ा छोटा है सब कैनवा खुद कर लेता है, लेकिन अगर आप फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से कर लीजिए। तो ये इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में इतनी सारी साइजेस आप ऑप्शन दे सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो दोस्तों ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन थी, बहुत समय लगा था, मैंने जब इसे ढूंढने की कोशिश की तो मेरा बहुत समय बर्बाद हुआ था, मैं इसी छोटी सी चीज़ थी लेकिन मैं जानने में बहुत समय लगा दिया था, क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोग इसे बहुत डिटेल में बता रहे हैं। फॉरेन में तो बहुत चल रहा है, फॉरेन में मतलब इतना चल रहा है कि पूछो मत, लेकिन इंडिया में भी बहुत कम चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको डिटेल में आपके साथ शेयर करूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये डिज़ाइन आप कैसे कैसे कर सकते हैं, फॉन्ट कहाँ से ला सकते हैं, कौन सा कलर कौन सा लेना चाहिए, ये इमेज कौन सी यूज़ करना है, क्योंकि कॉपीराइट भी नहीं आना चाहिए, इट्स वर्ल्ड वाइड जो है, और वहाँ पे अगर आप कॉपीराइट का प्रॉब्लम आएगा तो आप सेल नहीं कर सकते है ना, तुरंत के तुरंत आपका इट्स स्टोर बैन कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और आपकी लिस्टिंग भी जो है इनएक्टिव हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। तो कैसे कॉपीराइट से बचे, कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, कौन सा इमेज यूज़ करना है, वो कैसे, तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।